सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। एक तो उत्तराखंड के जो हमारे 9 पहाड़ी जनपद हैं जिनमें कोई भी कोविड-19 का पेशेंट नहीं मिला, वो अस्पताल अब पूर्व की भांति खुल जाएंगे और आम जनता का इलाज जैसे पहले करते थे उनका इलाज अब इन अस्पतालों के माध्यम से कल से ही ये प्रारंभ कर दिया जाएगा। इससे तमाम वो लोग जो अभी तक थोड़ा उनको परेशानी हुई, वो परेशानी भी उनकी दूर होगी। और जिस तरह से सीजन आ रहा है, डायरिया की समस्या होती है, डेंगू की भी ये सीजन है, तो उनसे भी हम लोग इस अस्पतालों के माध्यम से हम वो स्वास्थ्य सेवाएं हम ले सकेंगे। एक तो सरकार ने निर्णय लिया। कोविड अस्पताल के रूप में मेला अस्पताल हरिद्वार, दून हॉस्पिटल देहरादून और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर और सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी, ये अब इनमें ही अब कोविड का इलाज होगा। बाकी पूर्व की भांति लोगों का इलाज करेंगे। दूसरी बात कि सरकार ने एक निर्णय लिया है कि एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति कोविड-19 की वजह से जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है उसकी हम कैसे भरपाई कर सकते हैं, कैसे हम लोकल रोजगार पैदा कर सकते हैं, अपने नौजवानों को काम दे सकते हैं और जो गरीब लोग हैं हमारी उनकी आर्थिकी हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस दृष्टि से एक समिति श्री सुबोध उनियाल जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में हम बना रहे हैं। और उसमें सदस्य के रूप में श्री धन सिंह रावत जी और श्रीमती रेखा आर्य, ये उसमें सदस्य के रूप में होंगे। तीसरी बात हमने निर्णय लिया है कि शीघ्र ही मैं स्वयं तमाम अपने प्रदेश के जो प्रवासी लोग हैं जो विविध क्षेत्र में जिनका अपना स्थान है, उनसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। यानी रविवार 3 ये कार्यक्रम हम एक बार फिर उन लोगों से परामर्श करेंगे। चौथी चीज़ जो हमारे विविध वर्ग हैं, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, डेयरी क्षेत्र है, ऐसे जो MSME क्षेत्र है, उद्योग है, ऐसे सभी वर्गों से मैं सीधा उनसे संवाद करूंगा, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके सुझाव लेंगे कि कोविड-19 के बाद जो अर्थव्यवस्था हमारी कैसे शीघ्र दुरुस्त हो सकती है, उसके बारे में हम तमाम जो क्षेत्र हैं, पर्यटन का क्षेत्र है, ऐसे सभी लोगों से हम बातचीत करके और इसका समाधान उस पर हम लोग विमर्श करेंगे।